पेडियो का करता हूँ, नीतीश बाबू ललन बाबू का सिपाही हूँ। मेरा घर जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इसलिए गरीबों का दुख दर्द को समझता हूँ जी। बस हम तो लोग से ही कहेंगे कि जो जेन्युइन हो, गरीब हो, वही कंबल लें। जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो गरीबों के लिए ज़रूरत महसूस करूँगा और लोग लोग कहेंगे तो जरूर करूँगा। सलाम आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। निरंजन के सब प्रिंस ने ज़रूरतमंद के बीच किया कंबल का वितरण। सेवा ही सम्मान के भाव को मानते हुए निरंजन केशव प्रिंस ने किया कंबल वितरण। एक बार फिर से युवा जदयू नेता निरंजन केशव के द्वारा नगर परिषद जहानाबाद के वार्ड नंबर 13 शेख आलम चक के जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। प्रिंस ने वहां निवास कर रहे सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया एवं बताया कि जरूरतमंद की सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। शेख आलम चक के सैकड़ों लाभार्थियों परिवारों ने निरंजन केशव प्रिंस के इस सेवा भाव का सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और शेख आलम चक निवासियों ने बताया कि प्रिंस जी पिछले कई सालों से उनके बीच सक्रिय रहते हैं और लगातार मदद करते आ रहे हैं। जब भी हम लोगों को कुछ भी ज़रूरत होती है तो प्रिंस जी एवं एक सूचना पर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। कंबल वितरण के दौरान वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मोहम्मद शहनवाज उर्फ मुन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फिरोज आलम, डॉक्टर अनवर हुसैन, रजनीश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। तरीके का प्रोग्राम आयोजन यहाँ पे किया गया है। मेरा नाम निरंजन केशव प्रिंस हुआ। मैं जेडीयू का कार्यकर्ता हूँ, नीतीश बाबू ललन बाबू का सिपाही हूँ। मेरा घर जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इसलिए गरीबों का दुख दर्द को समझता हूँ। डॉक्टर अनवर साहब हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला है, आप कंबल वितरण काम कर रहे हैं मेरे मोहल्ला में कीजिए। तो मैंने मुन्ना भैया से संपर्क किया, फिरोज साहब से संपर्क किया, इन लोग से अनुमति लेकर के इस मोहल्ला में अपने खुद के पैसे से, अपने फंड से मैं गरीबों के बीच में कंबल वितरण कर रहा हूँ। चूँकि अभी बहुत कड़ाके का सर्दी है, इस चलते कंबल की उपयोगिता अभी है। सर, लगातार आप कंबल वितरण किया जा रहा है आपके द्वारा, और यहाँ पे अभी कितने लोगों के बीच कंबल वितरण हुआ है? मैंने कहा ना कि मैं तो खुद गरीब घर में पैदा लिया था, इसलिए गरीबों का दुख दर्द को समझता हूँ। इसलिए कंबल अभी बहुत जरूरी है गरीबों के लिए, जो कंबल वितरण कर रहा हूँ। अभी तक तो यहाँ 150 के आसपास कंबल वितरण हुआ होगा, अभी और वितरण होगा। सर, आम आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी बस हम तो लोग से ही कहेंगे कि जो जेन्युइन हो, गरीब हो, वही कंबल लें। जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो गरीबों के लिए सहयोग करें। वो खुद सक्षम हैं अपने लिए कंबल खरीदने में, वो कंबल वितरण में भगदड़ मत मचाएं, भगदड़ गरीबों को देने। सर, बहुत सारे ज़रूरतमंद से खालम चक में हैं, तो क्या आगे भी आपके द्वारा यहाँ पे इस तरीके का सहयोग किया जाएगा? जरूरत महसूस करूँगा और लोग कहेंगे तो जरूर करूँगा। धन्यवाद।